फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक हेलो फ्रेंड्स तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेम के लिए है। तो हमारे आज का टॉपिक है मोलिकुलर कंपोजिशन अरेंजमेंट एंड फंक्शनल कंसेंस यानी परिणाम। इसका सिनोप्सिस है इंट्रोडक्शन केमिकल कंपोजिशंस ऑफ बायोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेम्ब्रेन फंक्शंस ऑफ बायोमेम्ब्रेन कंक्लूजन और रिफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है सभी सेल्स के चारों तरफ एक अत्यंत पतली लचीली तथा अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। सभी सेल्स जो होते हैं उनके चारों तरफ जो होते हैं वह अत्यंत पतली मतलब लेयर इतनी पतली पाई जाती है जिसे बायोमेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोमेम्ब्रेन। सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रायः प्रोटीन्स लिपिड एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। मतलब जो सभी मेम्ब्रेन जो होती है वह प्रोटीन लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कुछ झिल्लियों में न्यूक्लिक एसिड एवं एंजाइम कुछ मेम्ब्रेन में तो न्यूक्लिक एसिड एवं एंजाइम भी पाए जाते हैं। फर्स्ट है लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का प्रतिशत जो होता है वह 20-40 तक होता है। लिपिड के प्रमुख घटक लिसिथ्रिन सिफेलिन जैसे फॉस्फोलिपिड होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। सेकेंड है प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनकी प्रतिशत जो होती है वह 20-40 तक होता है। आरबीसी में इनका प्रतिशत 60-80 तक होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं वह पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। आरबीसी लीवर सेल्स की मेम्ब्रेन में 5% तक कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है एंजाइम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अब तक 30 एंजाइम की उपस्थिति का पता लगाया जा चुका है जिसमें से कुछ एंजाइम जो है वह मेन है। 5- न्यूक्लियोटाइड मैग्नीशियम 2+ एटीफेज सोडियम पोटेशियम एक्टिवेटेड मैग्नीशियम 2+ एटीफेज एल्केलाइन फॉस्फेट हैं। थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेम्ब्रेन। इसका फर्स्ट है सैंडविच मॉडल। यह मॉडल डेनियली डेविसन ने 1935 में प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वह 3 लेयर की बनी होती है। मतलब इस मॉडल के अनुसार ये कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वह 3 लेयर की बनी होती है। इन तीन लेयर की मोटाई जो होती है वह 75 एंगस्ट्रॉम होती है जबकि 3 लेयर की अलग अलग मोटाई है जो वह निम्न है। बाहरी प्रोटीन लेयर की मोटाई मतलब जो बाहर जो प्रोटीन लेयर है उसकी मोटाई है 20 एंगस्ट्रॉम। फॉस्फोलिपिड के दोनों लेयर की मोटाई मतलब ये जो फॉस्फोलिपिड है उसके दोनों लेयर की मोटाई जो होती है वह 35 एंगस्ट्रॉम है। और जो आंतरिक प्रोटीन लेयर की मोटाई है जो आंतरिक लेयर की मोटाई है वह है 20 एंगस्ट्रॉम। यह सैंडविच मॉडल का डायग्राम है। सेकेंड है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यह मॉडल रॉबर्टसन ने 1960 में प्रस्तुत किया है। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रिलामिनर होती हैं जिसमें लिपिड के 2 लेयर प्रोटीन के एक एक लेयर से घिरे होते हैं। मतलब प्रोटीन के 2 लेयर एक एक प्रोटीन से घिरे रहते हैं। इस प्रकार प्रोटीन लिपिड प्रोटीन के ये 3 लेयर मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। मतलब एक यूनिट मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसमें भी इनर लेयर ऑफ प्रोटीन लिपिड और आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन इसमें भी 3 लेयर होती है। यूनिट मेम्ब्रेन का डायग्राम। अगला है फील्ड मोसिक मॉडल। यह मॉडल सिंगर और निकोलसन ने 1970 में प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में एक दोहरी लिपिड की आणविक स्तर पाए जाते हैं। लिपिड के अणु के गोलाकार ध्रुवीय सिरे बाहर की ओर मतलब ध्रुवीय सिरे जो होते हैं लिपिड के ध्रुवीय सिरे बाहर की ओर और अध्रुवीय सिरे जो होते हैं वह अंदर की ओर स्थिर होते हैं। यह फील्ड मोसिक मॉडल का डायग्राम है। अब फोर्थ पॉइंट है फंक्शंस ऑफ बायोमेम्ब्रेन। यह सेल तथा सेल ऑर्गेनेल्स के लिए रक्षात्मक आवरण बनाती हैं। यह सेल के लिए उपयोगी पदार्थों को अंदर तथा अनुपयोगी पदार्थों को बाहर करती है। मतलब जो उपयोगी पदार्थ होते हैं जो यूज़ के होते हैं उनको तो अंदर लेती है और जो वेस्ट होते हैं उनको बाहर करती है। अर्थात यह कोशिकीय अभिगमन में भाग लेते हैं। यह सेल को यांत्रिक सहारा देती है। यह अपने समान मेम्ब्रेन की तरफ आकर्षित होती है। मतलब ये क्या होती है सेम जो मेम्ब्रेन होती है
उनकी तरह ये ज़्यादा आकर्षित होती है। सेल के लिए चयनात्मक पारगम्यता प्रदर्शित करती है। इसका फिफ्थ पॉइंट है कंक्लूजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में साइटोप्लाज्म के एक बाहरी घेरे के रूप में पाई जाती हैं, जो आयन एवं अणुओं के आवागमन को नियंत्रित करती हैं। यह प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं। रेफरेंस है जेनेटिक्स बाय स्ट्रिक बर्गर। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई सा टॉपिक की चाहिए तो उसको कमेंट कीजिए ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।